हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशबू एंड सटी में आपका स्वागत है। आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज हम बनाने वाले हैं चने की जो आखी जो दाल होती है ना, उसको भिगा कर उसमें सोयाबीन और लौकी, मतलब ये सब मिक्स करके बनाएंगे। और यहाँ पे गैस को कुकर में बनाना है ताकि उसमें जो दाल होती है ना वो अच्छे से जब सीटी मारेगा तो फिर अच्छे से उसमें पिघल जाएगी, वरना फिर कढ़ाई में बनाएंगे तो फिर वो अच्छे से पकेगा नहीं, तो इसलिए कुकर में बनाएंगे तो उसे अच्छे से पक जाएगा। और 2 चम्मच तेल डाल देना है और उसके बाद राई डाल देना है, राई जीरा जो भी आप खाते होंगे वो डाल सकते हैं। और यहाँ पे प्याज मर्चा और आधी लहसुन का पेस्ट है वो डाल देना है, और टमाटर भी डालना है, लेकिन टमाटर नहीं था इसलिए फिर मैंने नहीं डाला टमाटर, 1 या 2 टमाटर भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे अदरक लहसुन पेस्ट होता है पैकेट वाला वो डाल देना है, घर पे भी लहसुन का पेस्ट बना के डाल सकते हैं लेकिन मेरे पास रेडीमेड था तो मैंने वही डाल दिया। और उसको अच्छे से भून लेना है। और यहाँ पे सोयाबीन और लौकी, आलू भी डाल सकते हैं लेकिन मैंने आलू नहीं डाला, और चने की जो अक्खी दाल होती है वो भिगा कर और ये सोयाबीन और लौकी की सब्ज़ी। अभी मसाला डाल देना है, हल्दी पाउडर और गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और जो भी मसाला घर में हो आप लोग सब मसाला डाल सकते हो, टेस्ट के लिए अच्छा आता है। और मसाला पक जाएगा तो थोड़ा सा पानी डाल देना है। मसाला पकने के बाद उसके बाद फिर सब्जियां डाल देना है, जो लौकी और जो है ना सोयाबीन वो। और यहाँ पे मैं रोटी भी बना रही हूँ, रोटी सब्जी बना रही थी इसलिए फिर मैंने सोचा आटा भी साथ में ही गूंद लेती हूँ, फिर जल्दी हो जाएगा। और अभी ये शाम का खाना मैं बना रही हूँ, शाम के खाने में सब्जी और रोटी। और यहाँ पे मैं सब्जी डाल देती हूँ, उसमें अच्छे से फ्राई हो जाए, मसाला पक जाने के बाद ही फिर सब्जी को डालना है ताकि फिर मसाला फिर कच्चा ना रह जाए। और दाल को भी डाल देना है, और जब दाल ऐसा मतलब घुल जाएगा ना उसमें तो ग्रेवी उसका मस्त हो जाता है, तो आप लोग भी घर पे ज़रूर ट्राई करना। और यहाँ पे एक साइड में अच्छे से उसको भून लेना है और थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, जितना पक जाए उतना ही पानी डालना है। और अच्छे से उसको भून लेना है फ्लेम को हाई रख के। और फिर सब मसाला भूनने के बाद उसके बाद फिर नमक डाल देना है, क्योंकि ज़्यादा और कम नमक डाल सकते हैं आप लोग जितना भी खाते होंगे उस हिसाब से। और फिर उसका ढक्कन बंद कर देना है, अच्छे से उसको जितना भी ग्रेवी आपको चाहिए उतना पानी डाल देना है। ये देखो इस तरह से पकने के बाद और मतलब गाढ़ा हो जाएगा, अभी तो पकेगा ना इसलिए इसमें थोड़ा पानी दिख रहा होगा। और यहाँ पे फिर ढक्कन लगा देना है इसको, ढक्कन लगाने के बाद फिर मैं एक साइड में चाय रखने वाली हूँ क्योंकि थोड़ा चाय पीने का मन कर रहा था। और यहाँ पे एक साइड में सब्जी हो रहा है और एक साइड में चाय, लेकिन आज मतलब पहले दूध जो लाया था ना तो फिर मैंने पूरा चाय बना लिया,
फिर उसके बाद मैंने इतना ध्यान दिया नहीं, जल्दी जल्दी मुझे लेट हो रहा था खाना बनाने में, तो इसलिए फिर मैं जल्दी जल्दी चाय के बर्तन में पानी वगैरह, चाय पत्ती, चीनी, शक्कर सब डाल दिया मैंने। और फिर मैं फ्रिज में से दूध लेके आई और फिर मैंने उसमें डाल दिया, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया कि दूध फट गया है। दूध फट गया था, फिर उसमें मैंने चाय में डाल दिया था तो चाय भी फट गई, चाय भी ख़राब हो गया। फिर तो मुझे आज चाय पीने को नहीं मिला। और यहाँ पे मैं आटा गूंद रही थी और ये देखो चाय पूरा फट चुका है, क्योंकि दूध ही फट गया था इसलिए चाय भी ख़राब हो गया। तो आज मेरा मूड भी बहुत ऑफ हो गया, चाय नहीं मिला इसलिए, क्योंकि पूरा दूध फट गया था पता नहीं कैसे। और फिर यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ, मूड एकदम ऑफ हो गया था, चाय नहीं मिला इसलिए। और यहाँ पे मैं रोटी बना रही थी, आटा गूंद के रख दिया था मैंने। और अभी शाम हो गया था, 6:30 बज रहा था। मैं जल्दी ही खाना बना लेती हूँ, क्योंकि फिर रात को जितना लेट बनाते हैं ना, फिर उतना फिर खाने का नहीं मन करता है, इसलिए फिर जितना जल्दी होगा 6 बजे 7 बजे इतना तो मैं इतना जल्दी मैं खाना बना लेती हूँ, क्योंकि बाद में फिर सुबह भी उठना होता है ना, इसलिए फिर मैं पहले ही जल्दी खाना बना के जल्दी खाते हैं हम लोग। कभी कभी लेट भी हो जाता है, लेकिन फिर काम पे भी जाना होता है ना उनको, इसलिए फिर मैं जल्दी फिर खाना बनाना पड़ता है मुझे। और आज मैंने ड्रेस नहीं, टॉप जैसा कुछ पहना है, मतलब जो मन करता है वो पहन लेती हूँ, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब साड़ी या ड्रेस ही पहनो, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ मना नहीं करते वो कि उनका जो मर्जी बोलते पहन सकते हैं। तो यहाँ पे देखो मैं रोटी बना रही थी जल्दी जल्दी, और मैं पहले गैस पे रोटी फुलाती थी, लेकिन गैस पे भी फूल जाती है रोटी, लेकिन मैं अभी तवे पे फुला रही थी कपड़े से दबा दबा के अच्छे से। वैसे भी दबाएं कपड़े से दबा दबा के अगर रोटी को फुलाते हैं तो फिर अच्छे से सब साइड साइड में पक जाता है और अच्छे से फूल भी जाता है। गैस पे भी पक जाता है लेकिन वो साइड साइड पे कच्चा रह जाता है, रोटी तो फूल जाती है लेकिन जो बीच में पक जाएगा लेकिन साइड साइड में है ना वो कच्चा ही रह जाता है। इसके वजह से फिर मैं तवे पे ही फुला लेती हूँ, तवे पे भी अच्छी फूलती है। और रोटी फूलती नहीं है तो फिर खाने का टाइम पे पूरा कड़क हो जाती है, फिर अच्छी नहीं लगती है खाने में, इसके वजह से उसके तवे पे फुला लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। ये देखो ऐसे आहिस्ते आहिस्ते हाथ से दबा के। और यहाँ पे मैंने खाना बना लिया था और मैं भी किचन साफ कर रही थी। मैं यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया था खाना, और फिर उसके बाद गैस ठंडा हो गया थोड़ा तो फिर मैं पोंछ रही हूँ, गरम नहीं है। और यहाँ पे देखो सब आटा वगैरह सब गिरा हुआ है, जो रोटी बनाई थी ना वो सब आटा वगैरह सब गिरा हुआ है। और आप लोग को मैंने पहले भी बताया था कि हमारा बेसिन नहीं है तो मैं नीचे ही बर्तन धोती हूँ, और मतलब वहाँ पे थोड़ा, ये हमारा खुद का घर नहीं है, ये हम रेंट पे रहते हैं, तो आप आई होप आप समझेंगे कि मतलब बेसिन उस तरफ नहीं है, थोड़ा वहाँ पे कलर भी मारा था लेकिन वो निकल गया, पूरा ब्लैक ब्लैक हो गया है, इसके वजह से यहाँ पे मैं बर्तन धोती हूँ, तो इतना ध्यान मत देना वहाँ पे। और यहाँ पे मैं किचन साफ कर ली हूँ। और यहाँ पे देखो ये मछली, मतलब मेरे घर में फिश टैंक भी है, तो ये मछली देखो जो ऑक्सीजन होती है ना, ये जो ब्लैक वाली मच्छी है ना उसमें पूरी चिपकी हुई है, ये चिपकने वाली मच्छी है जो कचड़े वगड़े जो खाती है ना वो है, तो ये देखो इसमें कैसे चिपकी हुई है, पूरा अजीब ही है ये तो।
फ्रेंड्स, अभी शाम हो चुका है, देख सकते हो थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो रहा है बाहर। और अभी मैंने खाना बना लिया मेरे को। और अभी मेरा खाना पीना भी हो चुका है। और अभी मैं जा रही हूँ बत्ती देने के लिए। शाम हो गई है, 6:30 बज गया है। बाहर का मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। देखो थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो रहा है। और आज का वीडियो यही तक। और ये देखो अभी तक कपड़े अपने भी मेरे घर में मिल गए इतने सारे। और देखो यहाँ पे भी थोड़ा से फैला हुआ है कपड़ा। अभी मुझे बिस्तर भी लगाना है। देखो कल घंटा हो गया। और अभी मैं बस्ती देखूँगी, बस्ती में दे आएगी। देखो और यहाँ पे मेरे ससुर जी का फोटो होगा। अभी 25 तारीख को उनको, मतलब हर महीने 25 तारीख को उनको, मतलब मंदिर में जाके तो देना पड़ता है। यहाँ पे तो मुझे चार पाँच या थोड़ा लाल हो गया है। पत्नी छीटी वगैरह मुझे छीटी वगैरह कुछ काट लिया, देखिए मुझे थोड़ा लाल हो गया है। आई होप वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। आज का वीडियो है तो बाय।